हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज क्या है आप सबके लिए कुछ नया कुछ खास। देखिए समर सीजन चल रहा है और समर सीजन में रसोई में घंटों खड़े रहकर किसी भी ठंडी डिश यानी कि कोल्ड यम्मी आइसक्रीम बनाने के लिए जो खड़ा रहना पड़ता है ना, दूध को उबालना करना, उसके बाद में उसको ठंडा होने के लिए वेट करना, इन सब के झंझट से हटकर मैं आपके लिए लाई हूँ आज ये यम्मी सी मैंगो कुल्फी, जो बनेगी मिनटों में। लगभग 10-11 मिनट के अंदर ये आइसक्रीम बन जाएगी। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, आपको गैस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, तो है ना एकदम शानदार कमाल की चीज़। और जो टेस्ट है ना, बिल्कुल बाजार के मैंगो कुल्फी की तरह। तो ये देखिए आ गया ना, देखते ही मुंह में पानी और खाने का मन हो रहा है ना इस भयंकर गर्मी में। तो बस जल्दी से शुरुआत करते हैं। कहीं पर कभी भी किसी भी समय इन मेन इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास में है तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। और इसको रसोई में बैठ कर बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो रूम में भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेन इंग्रेडिएंट्स में हमें मैंगो कुल्फी है, तो मैंगो तो चाहिए। और मैंगो की मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं देने वाली हूँ, बस इतना ध्यान रखिएगा 2 मैंगो लिए हैं मैंने और वो थोड़े मीठे से होने चाहिए। उसके अलावा लिया है हमने ये मिल्क पाउडर, मार्केट में 10 रुपए का एक पाउच मिलता है मिल्क पाउडर, वो ले लीजिए। केसर के धागे मैंने दूध में 2-3 चम्मच में भिगो दिए हैं, ठंडा दूध है। और ये है शुगर पाउडर। और इसके अलावा लिया है मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड का ब्रेड क्रम्स। और उसके अलावा हमने 1/2 किलो दूध लिया है। और उसके अलावा हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने पिस्ता और काजू लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ना वो आप ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में और क्या क्या चीज़ें चाहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, ताकि ऐसी ही यमी और बढ़िया सी आइसक्रीम जो है ना आपकी बिल्कुल वैसी ही बने जैसी मेरी बनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आम को जो है बिल्कुल उसका छिलका उतार देंगे, यानी कि हमें जो है ना आम का प्यूरी बनाना है। तो सबसे पहले इसे मैं साफ कर लेती हूँ। आम को आप पहले पानी से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद में उसका छिलका उतार कर और इसका जितना भी पल्प है गुठली को छोड़कर सारा वो पल्प जो है छोटे छोटे रफली पीसेज में आप इसे काट लीजिए। और उसके बाद में हम इसे मिक्सी में कर देंगे ग्राइंड और इसकी बना देंगे, इसका जो पल्प है वो हम इसका जो है बढ़िया सा एक स्मूथ पेस्ट की तरह उसे पल्प को रेडी कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मैंगो को जो है बिल्कुल रफली इन छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 मैंगो हैं, मीठे हैं। भाई इतना तो कुकिंग करने वालों को मालूम ही होगा कि मैंगो आइसक्रीम के लिए थोड़े से हमें मीठे आम लेने हैं। किस क्वालिटी के लेने हैं कोई डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ। अब यहाँ जो मैंने काजू लिए हैं ना, उन काजू का हमें पाउडर बनाना है, यानी कि उसे मैंने मिक्सी के दूसरे जार में डाल दिया है और इसे भी मैं ग्राइंड करके और इसको जो है 2 टेबल स्पून हमें काजू का पाउडर चाहिए। अगर आपके पास में पहले से किया हुआ है तो मैं इसलिए आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। और अगर आप रेडीमेड जो मैंगो पल्प लेना चाहते हैं तो 1 बड़ा बाउल या सब्जी बनाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है ना, वो लगभग 4 से 5 चम्मच मैंगो पल्प ले सकते हैं अगर आप इसे और इजी करना चाहते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर फ्रेश मैंगो, क्योंकि फ्रेश मैंगो इस समय आ रहे हैं ना, तो फ्रेश मैंगो लेना ही बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो फ्रेश मैंगो का मैंने देखिए पल्प रेडी जो है प्यूरी रेडी कर दिया है और यहाँ मैंने काजू का जो है पाउडर बना दिया। तो काजू का पाउडर है 2 टेबल स्पून और दूध हमने लिया है पूरी ही, हमने जो 1/2 kg की जो थैली आती है रेडीमेड जो किसी भी कंपनी की, वो मैंने ले लिया है। और यहाँ मैंने पिस्तों को जो है छील लिया है और इसे मैं है जो लंबाई में काट लूँगी। ये डेकोरेशन के लिए है, आप चाहे जैसे भी इसे काट सकते हैं, बस छिलका उतार दीजिए और कटिंग कर लीजिए इस तरह से। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और लेते हैं 1 बड़ा सा बाउल। और बाउल में मैंने डाल दिया है ये 1/2 किलो दूध, जो कि मैं डायरेक्ट ले रही हूँ पूरी 1/2 किलो की थैली। अगर आपके पास में फ्रिज में दूध पड़ा है तो आप उसे नाप लीजिए और 1/2 kg के आसपास वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये दूध ले लिया। दूध आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं, बढ़िया सी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा तो यमी सी और उसमें जो है आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऐसा दूध ले लीजिएगा आप। इससे भी डबल टोन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इस दूध में मैंने मिला दिया है अब ये जो हमने आम का पल्प डाला है ना वो, और धीरे धीरे इसे स्पून की मदद से या ये जो हैंड ब्लेंडर है ना उससे आप धीरे धीरे इसको चलाते हुए इस तरह से मिला दीजिए। आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक बीटर का जो है इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही मिक्सी का, ठीक है। और अब चलते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट मैं मिला रही हूँ यहाँ पर ये मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का 10 रुपए का पाउच ले लीजिए। और यहाँ अगर आपके पास में पहले से पड़ा है तो 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो नाप कर ले लीजिए। और साथ ही मैं मिला रही हूँ यहाँ पर काजू का पेस्ट,
सॉरी काजू का पाउडर, और उसके बाद में हम मिला रहे हैं यहाँ पर दो ब्रेड स्लाइस का जो है ब्रेड क्रम्स हमने करके रखा था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून सिर्फ। बाद में हम इसे कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसके अंदर और मिला लेंगे। और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें सिर्फ शुगर डाला है। मिठास जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये है 2 चुटकी नमक। और अब ये मत कहिएगा कि आपने नमक बेसिक इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वीडियो के बीच में मैं आपको बताती रहती हूँ, या मैं डिस्क्रिप्शन में जो इसके इंग्रेडिएंट्स लिखूंगी उसमें लिख देती हूँ। लेकिन 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 सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमेशा जब भी कोई रेसिपी देखें और उसे बनाना चाहें तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखा कीजिए और एक भी स्टेप आप उसका मिस मत कीजिए, तभी बनेगी परफेक्ट रेसिपी लाइक ओजोन किचन की तरह। तो चलिए जल्दी से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। नमक जो थी चुटकी 2 डाली थी मैंने, 2 चुटकी नमक डाला था, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी से वीडियो बनाने की आदत पड़ चुकी है मेरी, क्योंकि रेसिपीज इन मिनट्स ओजोन किचन की पहचान है और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिलता आया है इसके ऊपर खरा उतरने की मेरी पूरी कोशिश है। देखिए जब तक मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ ना, तब तक आप ये चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में ही बेल आइकॉन है देखिए है ना, तो बस उसे दबा दीजिए ताकि ऐसे ही यमी हॉट टेस्टी कोल्ड और सभी तरह की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वापस से चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये देखिए मैंने केसर के 2 चुटकी धागे 2 से 3 टेबल स्पून में भिगो दिए थे और ये अच्छा सा कलर आ गया है और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमें इसको इस तरह से मिलाना है कि केसर के धागे जो है ना वो हमारे मिक्सचर में ना जा पाए, बाकी का जो मिल्क है वो आप इस तरह से थोड़ा सा डाल दीजिए। यहाँ देखिए मैंने केसर के धागे जो है ना जितना कोशिश की है वो इसमें नहीं मिलाया है। क्यों नहीं मिलाया है? कहा था ना कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, तो देखते रहिए मेरे साथ और बनाते रहिए फटाफट से मैंगो कुल्फी। तो फिर मैं बताती हूँ आपको साथ साथ कि ये केसर के धागे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारी मैंगो कुल्फी की कंसिस्टेंसी कैसी है। थोड़ा सा मुझे और इसे थिक करना है, तो बचा हुआ जितना भी ब्रेड क्रम्स है ना वो मैंने अब यहाँ पर डाल दिया है। तो इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो बस देखिए अच्छे से इसको, हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। रेसिपी जब भी बनाए ना दिल से बनाए, तो देखिए कैसा स्वाद निकल के आता है उसका। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कितनी तेज़ गर्मी है। मेरे जोधपुर शहर में जो पारा चल रहा है ना 43 to 48 के बीच का डेली चेंजिंग होता हुआ पारा है। देखिए अब मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि हमारी जो मैंगो कुल्फी की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ना, एकदम बिल्कुल गाढ़ा सा हमारा मिक्सचर ये रेडी हो चुका है। और देखिए कंसिस्टेंसी चेक करते वक्त अब आपको क्या करना है, अब इस स्टेज पर आपको चेक करना है एक चीज़, यानी कि इसको आपको चक्कर देखना है। देखिए अगर रेसिपी बनाते वक्त शेफ या रेसिपी में जो भी आप, जो भी हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन भी, हाउसवाइफ क्यों, वर्किंग वुमेन भी तो खाना बनाती है, आइसक्रीम बनाती है, तो उन्हें क्या करना है इस स्टेज पर चक्कर देखना है कि मिठास कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जितनी मिठास की मुझे ज़रूरत है उतना मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला है, लगभग 2.5 टेबल स्पून डाला है। आप अपने हिसाब से मिठास को जितना भी आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। मैंगो में कितनी मिठास है जो आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से आप शुगर पाउडर को इस स्टेज पर आकर ऐड कर लीजिए। और ये अब हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। लेकिन रुकिए अभी कहीं मत जाइएगा, आप इसको जब मोल्ड्स में आइसक्रीम जमाने का कोई भी मोल्ड्स ले लीजिए, कुल्हड़ ले लीजिए, उसमें जब डालें ना इस तरह के, मेरे पास ये चीनी का कुल्हड़ है, आप मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हैं, आप बॉक्स में भी डायरेक्ट जमा सकते हैं आइसक्रीम को। तो देखिए डालना कैसे है, अब जो हमारे पिस्ते बचे हुए हैं ना उसको मैंने इस तरह से कुल्फी जमाने वाले मोल्ड में नीचे की तरफ डाल दिया है। और अब हमने जो केसर के धागे बचा के रखे थे ना, जी हाँ देखिए इसे मुझे इस तरह से डालना है ताकि ये कुल्फी के बाहरी सतह पर चिपके हुए बहुत ही दिखने में सुंदर लगेंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि छोटे छोटे टिप जो है ना वो पूरा वीडियो देखने से ही आपको मिलेंगे। और ये बहुत यम्मी से टेस्टी मैंगो कुल्फी जो है ना इस तरह से जब देखने में सुंदर होगी ना तो किसका मन नहीं होगा खाने का। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम हमारा जो मैंगो का पूरा हमने जो मिक्सचर रेडी किया है वो इस तरह से डाल देंगे। कहते हैं ना अगर रेसिपी दिखने में सुंदर हो तो भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है। और ऐसी भयंकर गर्मी में इस तरह की मैंगो कुल्फी बनाना और वो भी बिना गैस जलाए कौन नहीं चाहेगा। तो देखिए इस तरह से आप इसे जितना सुंदर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालिए, केसर के धागे डालिए, काजू डालिए, किशमिश डालिए,
जो आपको डालना है अब आप इस स्टेज पर आकर डाल सकते हैं। कुल्हड़ या बॉक्स में डायरेक्ट मिक्सचर को डालने के बाद में आप इसे फॉइल पेपर से या प्लास्टिक की कोई भी घर में बिल्कुल पतली सी कोई भी थैली हो उसकी कटिंग करके उससे कवर करके आप इसे रख दीजिए होल नाइट फ्रीजर में जमाने के लिए। और अगर आप दिन में जब बनाते हैं इसे तो लगभग 8 से 9 घंटे तक इसको आप फ्रीजर के अंदर रख दीजिए, ये रेडी हो जाएगी। तो बचा हुआ मिक्सचर जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से बॉक्स में डाल दिया है, और बॉक्स में डालने के बाद में मैं इसको ऊपर जो है एक्स्ट्रा थोड़े से केसर के धागों से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़े से एक्स्ट्रा जो है पिस्ता के पीसेस मैंने और डाल दिए हैं, और अब कर दिया इसे भी मैंने फॉइल पेपर से कवर, और इसे भी रख देते हैं फ्रीजर के अंदर और छोड़ देते हैं होल नाइट। और अब उसके बाद में मॉर्निंग में इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं मत जाइएगा। यमी से आइसक्रीम बनी कैसे है वो जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले ये जो आइसक्रीम मोल्ड है उसको अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए और आसानी से जो है इसमें से निकल आए। मार्केट में आजकल बहुत तरह के इस तरह के मोल्ड्स मिलते हैं, आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों को क्या है ना, एक्चुअली इस तरह की कुल्फी स्टिक ये सब डाल के देते हैं ना तो उन्हें बड़ा मजा आता है। और ये देखिए कुल्लड़ वाली आइसक्रीम, मैंने आपको इसका जो कवर हटा के पहले सबसे पहले दिखा देती हूँ, लग रही है ना यम्मी, एकदम बढ़िया शानदार हो रहा है ना मन खाने का। तो चलिए इसे भी मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए पानी में डालकर इस जो है कुल्हड़ को रख देती हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए और आसानी से निकल आए। और ये देखिए ये बॉक्स में भी जो हमने डाली थी वो भी बढ़िया सी यमी रेडी हो चुकी है। निकालते हैं सबसे पहले बच्चों की फेवरेट स्टिक के अंदर वाली ये मैंगो कुल्फी। तो ये देखिए वाओ, है ना एकदम बढ़िया सी कमाल की कुल्फी, बिना किसी झंझट के, बहुत ज़्यादा बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के एकदम 10 मिनट के अंदर ये मैंगो कुल्फी रेडी है। खड़े खड़े कहीं भी बना लीजिए, डाइनिंग टेबल पे खड़े होके बनाइए, रूम में बैठ के बनाइए या कहीं भी, लेकिन गैस को जलाने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सन सिटी के अंदर 45-48 डिग्री का तापमान है। वैसे आपके साथ शेयर करूँ मैं एक चीज़ कि सर्दियों के अंदर भी मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो सर्दियों में मैंगो कुल्फी, जी हाँ हम करेंगे मैंगो को प्रिजर्व, और वो टिप एंड ट्रिक भी मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले इस रेसिपी को आप बनाना ना भूलिएगा इस समर सीजन में, जल्दी से झटपट बिना गैस जलाए फटाफट से बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी बहुत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी हाजिर होती हूँ ऐसी ही यमी सी कोई नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए ओजोन किचन और जुड़े रहिए मेरे साथ और यूं ही प्यार देते रहिए। जल्दी मिलती हूँ फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।